हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशांत सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। चैनल का नाम है निशांत सिंह पखाव जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को ऐसे ही आप प्यार देते रहें। और कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉन्सर्ट के वीडियोस भी डाले थे और काफ़ी लाइक्स भी मिले और कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे पिछली बार मैंने जो विवेकानंद परन के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें काफ़ी मुझे प्यार मिला और काफ़ी लोग उस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को वो हेल्पफुल भी लगा। और मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी लोगों को ये हेल्पफुल लगा। वैसे ही मैं बीच बीच में अपने ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में रहे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरा लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं धीरे धीरे के ऊपर हम लोग क्या कैसे रियाज करें, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर आप काइंडली धीरे धीरे के ऊपर या तिरकिट के ऊपर कुछ डालिए। तो आज मैं काफ़ी सिंपल कुछ लेसन्स लेके आया हूँ, आप सभी को शायद अच्छा लगे, और काफ़ी कुछ कॉमन भी हैं क्योंकि बहुत सारे तबला प्लेयर्स भी इसको बजाते रहते हैं। असल में है तो पखावज का ही चीज़, क्योंकि धीरे धीरे और तेरे केटे या तो धीरे धीरे, ये सब बोलबाणी तो पखावज के ही हैं। आप लोगों को आज मैं बताता हूँ कि कैसे इस चीज़ को हम लोग आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये चीज़ बजाने में हम लोग किस तरह से रियाज करें, क्योंकि रियाज करना और परफॉर्मेंस करना ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब रियाज करते हैं तो उसको परफॉर्मेंस की तरह मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर सोचेंगे तो फिर वो आपका रियाज नहीं हो पाएगा। तो रियाज एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। आप अगर रियाज करेंगे तो एक ही चीज़ को बार बार लगातार उसी को आप रियाज करते रहेंगे, यही आपका रियाज कहलाता है। और उस वो जब आप रियाज करते रहते हैं तो उसका एक फॉर्मेट आपके हाथ में ग्रिप की तरह वो आपका तैयार हो जाता है। जैसे मेरे घराने के स्टाइल में हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं, और मेरा जो परंपरा है, मेरा जो स्टाइल है, ये लाला केवल किशन घराना बोलते हैं इसको, जो ब्रज मथुरा से था। और लाला केवल किशन जी एक्चुअली बंगाल आते रहते थे, इसीलिए उनका जो बंगाल ट्रेडिशन है ये बंगाल में बहुत तेज़ी से फैल गया उस समय। तो हम लोग अभी बंगाल ट्रेडिशन को बजाते हैं और बंगाल स्टाइल में बजाते हैं, तो हम लोग इस वाणी को धीरे धीरे बोलते हैं। तो आइए हम लोग धीरे धीरे कैसे प्रोड्यूस करें। अब ये तो पूरा पंजे का खेल है, ये पूरा जो पंजा है आपका, ये भाग आपका यूज़ में आता है, और हम लोग इसको धे रे, यानी कि ये तेरे बनता है, ते रे, तो ये पूरा पंजे से हम लोग इसको निकास करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग धीरे धीरे और तेरे केटे को एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं या रियाज कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए अगर हम लोग धीरे धीरे या धीरे धीरे जो भी ये वाणी है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई घराने में धीरे धीरे बोलते हैं और कई घरानों में धीरे धीरे बोलते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है नहीं। क्या है कि आप लोग रिदम पैटर्न्स भी बना सकते हैं इसको, जैसे सिंगल में या तो डबल में
इस हिसाब से भी आप उसको ग्रिप बिठा सकते हैं। अब जब हम लोग थुन, पखाज में इसको थुन कहते हैं, तो ये थुन जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वही चीज़ हम लोग धे, ये ते के साथ अगर थुन मिक्स कर देते हैं तो इसको धे बोलते हैं। तो धे और रे, धे रे, धे रे, या धी र, धी र, एक ही बात है। तो हम लोग इसको इस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कुछ देर ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उसमें जैसे तिगुन लय भी भर सकते हैं और चौगुनी लय काफ़ी देर बाद में हम लोग उसको ऐड करेंगे, ताकि हमारे हाथ में वो पूरा ग्रिप पहले बैठ जाए। इस हिसाब से हम लोग विभिन्न लय में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग उसको ठाए लय में भी बजाएंगे, दुगनी लय में भी बजाएंगे, तिगनी लय में भी बजाएंगे और चौगनी लय में भी बजा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक तो धीरे धीरे भी डेवलप हो जाएगा और साथ ही में हमारा ये लय का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर रहेगा। तो एक साथ हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में इस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे या धीरे धीरे का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा एक लेसन देना चाहता हूँ, वो लेसन है बहुत ही फेमस, तबले में भी बजाया जाता है और काफ़ी तबला प्लेयर्स भी उसको बजाते हैं। इवन उस्ताद जाकिर हुसैन भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बजाते हैं और बहुत ही प्रचलित है ये। तो ये चीज़ एक्चुअली पखावज का ही है, जो बाद में कई तबला प्लेयर्स ने उसको सीखा और उन्होंने उसको प्रचलित किया। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से निकास कर सकते हैं और ये बोल है क्या। अब इतना प्रचलित है कि आपको सुनने से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा है। धा तेरे केटी तक, धा तेरे केटी तक, धा तेरे केटी तक, धा तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, धीरे धीरे केटी तक, धीरे धीरे केटी तक, धीरे तेरे केटी तक, धीरे तेरे केटी तक, दिनता घेड़े नग, दिनता घेड़े नग, दिनता घेड़े नग, दिनता घेड़े नग। तो बहुत ही सिंपल सा बोल है, रेला है, जो हम लोग आराम से अपने पखावज में बजा सकते हैं। देखिए, नहीं सिंपल है। धा तेरे केटी तक, धा तेरे केटी तक, धा तेरे केटी तक, धा तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, तक तेरे केटी तक, धरे तेरे केटी तक, धरे तेरे केटी तक, धरे तेरे केटी तक, धरे तेरे केटी तक, दिनता घेड़े नग, दिनता घेड़े नग, दिनता घेड़े नग, दिनता घेड़े नग। तो इस हिसाब से आप लोग कम से कम इसको 20 मिनट्स तो करिएगा, 30 मिनट्स तक इसी लय में अगर रह पाएँ तो और भी अच्छा है। आप लोग मेट्रोनम यूज़ कर सकते हैं, जो अभी गूगल प्ले स्टोर में आप लोगों को काफ़ी मेट्रोनम ऐप्स मिल जाएंगे, तो आप लोग मेट्रोनम के साथ भी इसको आराम से बजा सकते हैं।
आप लोग बजा सकते हैं इस तरह से, और बाद में इसको ही हम लोग लय भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अब उसी का अगर हम लोग डबल में बाद में आधे घंटे के बाद में या एक घंटे के बाद में जैसे हम लोग इसको ग्रिप तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम थोड़ा बहुत स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं, और जितना तक हो सके आप उसको सिंगल डबल ही अगर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आप उसको अगर सिंगल डबल कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको आप थोड़ा सा लय बढ़ा बढ़ा के उसको भी रियाज कर सकते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और जब पूरा उसका ग्रिप आपके हाथ में बैठ जाइए तब आप जाके उसको सिंगल डबल भी कर सकते हैं, या तो आपके लय के लय तो आपका अपना है, उसके अपने सुविधा के हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखिए, अगर दिनता घेड़े नग बजाने में, जैसे कि हमारे घराने में तो पूरा हाथ यूज़ होता है, अब जो लोग पूरा हाथ का बाज अगर बजाते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से दिनता घेड़े नग बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और वाटकड़ी संप्रदाय से भी बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया पखावज बजाते हैं, और उन्हीं के डिमांड से ही मैंने ये भी सोचा, इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा। जो जितने भी महाराष्ट्र में हमारे पखावजी भाई बंधु हैं, आप लोग इसको दिनता घेड़ेनक अगर आपको असुविधा हो रहा है तो आप इसको चेंज करके गदिगन नागे तेटे भी भर सकते हैं। जैसे कि हमारे वाडकरी संप्रदाय में तो गदिगन नागे तेटे का, या तो हमारे पानसे घराने में भी गदिगन नागे तेटे का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। तो अगर आपको लगता है कि गदिगन नागे तेटे उसमें बजाने से आपको और भी फ़ायदा मिल रहा है या तो आपको सुविधा हो रहा है, तो आप उसको चेंज करके गदिगन नागे तेटे भर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। इस हिसाब से आप लोग इसको भर सकते हैं, और इसको आप सिंगल डबल बाद में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग उसमें गदिगन नागे तेटे भी भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपका धा तेरे केटे तक भी रेडी हो जाएगा, तक तेरे केटे तक भी रेडी हो जाएगा, धेरे तेरे केटे तक भी रेडी हो जाएगा, और दिनता घेड़ेनक या गदिगन नागे तेटे जो भी हो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अपने धीरे धीरे या धीरे धीरे या तीर किट या तेरे केटे इसको हम लोग आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो जो जितने भी हमारे प्राइमरी स्टेज के फ्रेंड्स हैं जो पखावज सीख रहे हैं और चाहते हैं कि इसको और भी डेवलप करें, तो आप आराम से इस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फर्दर आपको अगर गाइडेंस चाहिए या तो और भी आपको लेसन्स के कुछ मटेरियल्स चाहिए, तो आप मेरे साथ प्राइवेटली भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को, इस लेसन को आराम से प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए कि आपको ये जो लेसन मिला है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाला था विवेकानंद परन के ऊपर,
वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने विवेकानंद परन हिंदी में पूरा उसका लिरिक्स भी लिखा था, और वो लिरिक्स के अनुसार क्या क्या नोटेशंस बजते हैं वो भी मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डाल दिया था। तो इसके वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प हुआ और काफ़ी लोग इस चीज़ को अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों को इससे हेल्प हो रहा है, और मुझे भी बहुत एनर्जी मिलता है कि आप लोगों के साथ मैं कुछ लेसन्स शेयर करूं। इसी तरह से मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और कुछ नए लेसन्स के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।